अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। नीतीश विराय भारत अभिनेता थे जिन्होंने तमिल भाषा की फिल्मों में काम किए थे। तमिल फिल्म उद्योग ने सोमवार को असुरन अभिनेता नीतीश विराय के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिनकी चेन्नई के ओमांदुरार सरकारी अस्पताल में कोविड-19 से मृत्यु हो गई। नीतीश जिन्होंने असुरन में धनुष और काला में रजनीकांत के साथ काम किया है ने कुछ दिनों पहले कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट पाया गया था। उनका इलाज चेन्नई के एक अस्पताल में चल रहा था। हालांकि उन्होंने सोमवार 17 मई को नोवेल कोरोना वायरस के कारण दम तोड़ दिया। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं जिनकी उम्र 8 और 7 साल है। पिराना के छोटी भूमिका निभाए है जिनमें पोधु पेटई 2006 और वेनिला कबड्डी कुजो 2009 शामिल है। उन्होंने पार रंजीत से संपर्क किया जिन्होंने उन्हें काला 2018 में कथिरावन रजनीकांत और ईश्वरी राव के बेटे की भूमिका दी। उन्होंने फिल्म के लिए 40 दिनों तक शूटिंग की। हिराना असुरन 2019 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म में उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो 1960 के दशक में रहता था। उन्हें लाभा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। उनकी आगामी फिल्म बेल का पोस्ट प्रोडक्शन प्रोग्रेस पर है और 2022 की शुरुआत में रिलीज होने की उम्मीद है। उन्होंने हाल ही में फिल्म में अपने हिस्से के लिए डबिंग पूरी की है। 17 मई 2021 को कोरोना वायरस के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर ऐसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।